स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबर की। ट्रंप ने मोदी को विधानसभा चुनाव में जीत की बधाई दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विधानसभा चुनावों में भारी जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। ट्रंप ने सोमवार रात फोन पर पीएम मोदी से बात की और उन्हें जीत की बधाई दी। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव सीन स्पाइसर ने संवाददाताओं को बताया कि ट्रंप ने मोदी और जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को चुनावों में उनकी जीत पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि नेताओं ने फोन पर बात की। स्पाइसर ने कहा कि राष्ट्रपति ने आज सुबह जर्मन चांसलर मर्केल तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करके उन्हें उनके दलों की चुनावी जीत पर बधाई दी। हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे और 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा तथा मणिपुर में भाजपा की सरकार बनी थी। पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनी थी। विमुद्रीकरण के फैसले के बाद 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को मोदी की लोकप्रियता पर जनमत संग्रह के रूप में देखा जा रहा था। इन चुनावों में भाजपा की सबसे बड़ी जीत यूपी में हुई, जहां उसने 15 साल के बाद सत्ता में वापसी की। यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का सूपड़ा साफ कर दिया। उत्तराखंड में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा और भाजपा ने सरकार बनाई। वहीं गोवा और मणिपुर में छोटे दलों के सहयोग से भाजपा सरकार बनाने में कामयाब हो गई। उल्लेखनीय है कि ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर पीएम मोदी ने फोन कर उन्हें बधाई दी थी। उस दौरान बातचीत में आशा जताई कि दोनों देश मजबूत आधार वाले भारत अमेरिका संबंधों को और आगे बढ़ाएंगे। और अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ग्रेटर नोएडा में नाइजीरियाई छात्रों पर हमला, सुषमा ने मांगी रिपोर्ट। ममता कुलकर्णी के खिलाफ गैर जमानती वारंट। शिवराज बोले, मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति का आंदोलन चलेगा। मधेपुरा के सांसद पप्पू यादव पटना में गिरफ्तार। और प्रेम प्रसंग से खफा माता पिता ने बेटी की हत्या कर शव को जलाया।